मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। वन विभाग के पीएस पहुंचे रीवा कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में अधिकारियों के साथ हुई बैठक। तत्पश्चात जयंती कुंज में आयोजित की गई कार्यशाला में किसानों एवं उद्यमियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत बांस उत्पादन के लिए रीवा को चुने जाने के बाद वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल रीवा पहुंचे। रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद वन विभाग के जयंती कुंज में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार किसानों एवं उद्यमियों के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में चर्चा की गई। वन विभाग के जयंती कुंज में आयोजित की गई कार्यशाला में वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल एवं मौजूद अधिकारियों के द्वारा किसानों एवं उद्यमियों को बांस उत्पादन से होने वाले लाभों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान वन विभाग के पीएस अशोक वर्णवाल ने बताया कि सरकार की मंशानुसार रीवा जिले को बांस उत्पादन के लिए चुना गया है, जिसमें शासन का उद्देश्य कि किसानों को सब्सिडी सहित आर्थिक लाभ पहुंचे। बांस उत्पादन से होने वाले फायदों के साथ साथ बांस से बनने वाले चीज़ों के संबंध में भी चर्चा की गई। किसानों को ये भी बताया गया कि बांस से बनने वाले सामान एवं उसके उत्पाद के लिए शासन वचनबद्ध है। इस उत्पाद से जुड़ने वाले किसान एवं उद्यमियों को शासन की ओर से उद्योग लगाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यशाला में वन विभाग के पीएस अशोक वर्णवाल के साथ प्रधान वन संरक्षक और वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उत्तम कुमार सुबुद्धि भी आयोजित कार्यशाला के हिस्सा थे। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ एडीएम शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा को चुना गया है बांस का, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और किसानों को कैसे खेती का लाभ? देखिए, दो तरह से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। एक तो किसानों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरीके से बांस की खेती जो है उनके नॉर्मल खेती से ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। और यही कैलकुलेशन मैं सभी यहाँ पे जितने किसान आए थे उनको बता रहा था कि कैसे हम धान और गेहूँ लेते हैं तो उससे जो फ़ायदा होता है उसके तुलना में बांस से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक तो वो तरीका, एक अप्रोच वो है कि हम किसानों के खेतों में बांस लगवाएं, और दूसरा जो हमारे बिगड़े वन हैं वहाँ पे हम स्व सहायता समूहों के लिए मनरेगा की तरफ से बांस लगवा रहे हैं। एक बार बांस का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो फिर उसके प्रोसेसिंग प्लांट्स भी यहाँ पे आएंगे और उससे भी फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रीवा में काफ़ी पोटेंशियल है और लगभग अगर यहाँ की टीम पूरा प्रयास करेगी तो 5,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर में भी बांस हो सकता है। अधिवक्ता संघ चुनाव में 2304 अधिवक्ता चुनेंगे 54 प्रत्याशियों का भविष्य। देर शाम तक जारी रही वोटिंग। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ चुनाव का माहौल आज रीवा न्यायालय परिसर में देखने को मिला, जहां सुबह से ही प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए थे। आपको बता दें कि रीवा जिला न्यायालय चुनाव में 54 प्रत्याशी अपनी किस्मत अजमा रहे हैं, जिसके लिए 2304 मतदाता मतदान कर रहे हैं। चुनाव के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइन को देखते हुए चुनाव के लिए कुल 8 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सभी मतदाताओं के लिए यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य किया गया था। सुबह 9 बजे से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया देर शाम तक जारी रही, जिसका रिजल्ट कल घोषित किया जाएगा। इसमें पोलिंग बूथ क्रमांक 1 में 296, 2 में 205, 3 में 301, 4 में 322, 5 में 295, 6 में 295, 7 में 294 एवं 8 में 297 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार भी चुनाव के मैदान में पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सहित कई पुराने चेहरे चुनाव मैदान में हैं, जिनके सामने कई नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए न्यायालय परिसर में पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। न्यायालय परिसर चुनावी माहौल आज साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी आज सुबह से ही अधिवक्ताओं से संपर्क करते नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत है मुख्य निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्रा एडवोकेट से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये निर्वाचन चल रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ के, किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है? कुल कितने प्रत्याशी, कितने पद हैं? 8 पोलिंग बनाई गई है, लगभग 300 के लगभग एक पोलिंग में मतदाता आए हैं। 2304 कुल मतदाता हैं और सभी पोलिंगों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति है और चुनाव
वो ये पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति है और पोलिंग अधिकारी चुनाव करा रहे हैं। कुल कितने पद हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? इसमें अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद, सचिव का पद, सहसचिव का पद, कोषाध्यक्ष का पद, ग्रंथपाल का पद, इतने पद हैं और 5 पद उसके हैं कार्यकारिणी के। और ये कब से कब तक चलेगा ये चुनाव? ये 9 बजे से शुरू हुआ है, 5 बजे शाम तक चलेगा। मतगणना इसी पे कब होगी? मतगणना होगी कल यानी 11 को 8 बजे से सुबह से। कब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्या माने? रिजल्ट जब तक गणना पूरी नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। शुभनामा शारदा प्रसाद मिश्र एडवोकेट। नवविवाहिता की हत्या के बाद पति ने रची साजिश, चाकू से किया हमला, बाद में गला घोंट कर मौत के घाट उतारने का आरोप। ससुर को फोन कर बोला बाथरूम में गिरकर हुई मौत। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से आज पति के द्वारा उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी पति ने पहले तो महिला के पेट में 2 बार चाकू से हमला किया, बाद में गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतारने का आरोप भी लगाया गया है। हत्या के बाद जुर्म से बचने के लिए आरोपी ने साजिश रची, देर रात ससुर को फोन कर बताया कि बाथरूम में गिरकर उनकी बेटी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद महिला को ये परिजन और ससुर घटनास्थल पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर की और घटना की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। मामला रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेकाई गाँव का है। यहाँ पर रहने वाले राम बाबू कोल का विवाह 20 वर्षीय अनिता कोल के साथ 1 वर्ष पूर्व हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था। बुधवार की रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पहले तो धारदार चाकू से महिला पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में आरोपी ने महिला की बेरहमी से गला घोंट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। PM रिपोर्ट के इंतजार के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये पति पत्नी थे और ये कोल समाज के थे, दोनों साथ में रह रहे थे, शादी को भी लगभग 1 साल हुआ था। पिता ने थाने पे आके शिकायत की कि मेरे दामाद का रात्रि 3 बजे के आसपास फ़ोन आया था और उसने फ़ोन करके ये बताया कि आपकी लड़की जो थी रात्रि में 3 बजे के आसपास उठी, बाथरूम गई थी, वो गिर गई है और गिर के उसकी मौत हो गई है। तो फिर लड़की के मृतका के पिता, माता और उसका भाई वहाँ पहुँचे थे, घटनास्थल पर देखा, उन्होंने शंका लगी तो उन्होंने थाने पे आके शिकायत की। थाने से फिर प्राथमिक रूप से जांच की गई, जांच में थोड़ा सा जो घटना थी वो संदेहास्पद लग रही थी। उस मृतका को चाकू के 2 निशान थे, पर चाकू से उसकी मौत हो सकती थी, इतनी गहरी चोटें नहीं थी। और फिर उसका PM कराने के लिए डॉक्टरों की टीम से आग्रह कर लिया गया है। PM की कार्रवाई होना शेष है, SDP साहब मौके पर पहुंच गए हैं और चूंकि मृतका नवविवाहिता थी तो जांच SDP साहब के द्वारा की जाएगी। और जिस तरह की बात आई है, पुलिस ने अभी उसके पति से पूछताछ की है, उसको प्राथमिक रूप से जांच में ले लिया गया है और इसके बाद ये शंका लग रही है प्राथमिक रूप से कि संभवतः ये हत्या का प्रकरण है, उसी हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अभी जो मैं प्राथमिक जांच बता रहा हूँ ना आपको, कि उसके शरीर पे चाकू के निशान हैं, लेकिन वो चाकू के जो निशान हैं वो जानलेवा नहीं है। और उसकी मौत फिर किस कारण से हुई है, इस बारे में डॉक्टरों की टीम PM करके रिपोर्ट देगी, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पिता की जान बचाने जंगली सुअर से भिड़ा पुत्र, खेत की रखवाली करने गए किसान पर जंगली सुअर ने किया था हमला, पिता की हुई मौत, पुत्र की हालत गंभीर। आपको बता दें कि जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनौरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर अपने खेत की रखवाली करने गए किसान पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस दौरान पास ही खड़ा पुत्र अपने पिता की जान बचाने जंगली सुअर से भिड़ गया। इस दौरान जंगली सुअर के हमले से पिता और पुत्र दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पहुंच गए, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय पिता की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घटना सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनौरी स्थित ढकरा गांव की है, जहां किसान पंचकेश हरिजन व उसका पुत्र संदीप कुमार देर रात खेत की खड़ी फसल की रखवाली करने गए हुए थे, तभी अचानक पिता पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। कुछ देर बाद जब पिता के चिल्लाने की आवाज़ पुत्र को सुनाई दी तो पिता की जान बचाने वह जंगली सुअर से भिड़ गया,
जिससे जंगली सुअर ने पिता व पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद जंगली सुअर की ओर भाग गया है। वहीं शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पहुंच गए। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय पिता की रास्ते पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पुत्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जंगली सुअर के हमले से घायल हुए पुत्र का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तियोथर में किया जा रहा है, जिसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं जंगली सुअर के हमले से हुई पिता की मौत के बाद पंचनामा की कार्रवाई कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जंगली सुअर ने हमला किया है? हाँ, ये ढकरा ग्राम है, थाना सुहागी क्षेत्र के अंतर्गत। कल शाम के आसपास की बात है, रोशनी रहते हुए जब ये खेत पे अपने काम कर रहे थे, उसी समय सुअर के द्वारा हमला किया गया था, जिससे चोट आने के कारण से जो पिता था उसकी मौत हो गई है और पुत्र घायल अवस्था में है। जो पिता है उसको ज़्यादा चोटें लग गई थी, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, और उसमें पुलिस द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई है, आवश्यक कार्रवाई वो कर ली गई है, और बेटा इलाजरत है। अपनी संतान महिला को भी मिलेगा संतान का सुख। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में खुलेगा IVF सेंटर। आपको बता दें, मां बनने का एहसास सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक महिला मां बनती है तो यह एहसास उसके लिए एक नए जीवन के समान होता है। ऐसे ही निसंतान महिलाओं के लिए रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है। इस संबंध में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खुलने जाने के बाद ये रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जो महिलाएं बच्चों के एहसास से वंचित हैं और बाहर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए शासन का एक नया उपहार होगा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि शासन स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसे बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 200 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए, जिसका चयन कर लिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल क्षेत्र में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता था। इस प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार 1978 में इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन अब ऐसे सेंटर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। बताया जाता है कि रीवा के जिला अस्पताल में अभी रोशनी क्लिनिक के द्वारा IVF पद्धति पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा बहुत ही एडवांस तरीके से चालू होगी, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। इस तरीके से क्या लाभ मिलेगा? IVF में हमारे जो निसंतान दंपति होते हैं, जो कि हर पांचवा दंपति में उसको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो हमारे यहाँ पर जो गायनी विभाग है, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया जाना है। शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गएंगे और बजट भी कुछ ही समय बाद प्राप्त हो जाएगा, इसी आशा हम करते हैंगे। तो इसमें हम लोग गायनी में एक अलग से हम जगह ईयरमार्क किए, चिन्हित कर ली गई है कि वो जगह पर हम लोग जो है जो आवश्यक उपकरण रखना और आवश्यक जो सुविधाएं होना चाहिए IVF की, वो हम लोग कर रहेंगे। हम लोगों ने पहले प्रथम तो 2000 स्क्वायर फीट में एक डिमांड की थी, उसके बाद शासन ने कहा कि नहीं, 1000 स्क्वायर फीट में ही उसको आप उसका निर्माण करें। तो अभी ये सब प्रचलन में है, कुछ ही समय पश्चात हम लोग भी IVF में सक्षम हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर ये कार्य अच्छे से गायनी विभाग करेगा। सर, अभी रीवा जिले में और कहीं है कि नहीं? ये रोशनी क्लिनिक करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका संचालन होता है, पर हमारे यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो काफ़ी एडवांस होगा। वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे, विभिन्न काफ़ी महंगी मशीनें का भी शासन ने हमको देने का कहा है, तो ये एक अच्छा एडवांस रूप होगा, जिसमें हम लोग अच्छे से मरीजों की सेवा कर सकेंगे। तो क्या माना जाए, कब से ये सेवाएं चालू हो जाएंगी? अभी तो कहना बड़ा कठिन है, ये शुरुआती दौर है, अभी तो शासन ने इसका इनिशिएट किया है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।